स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहां। आखिर क्या रही दिन भर की हलचल, आइए हम आपको दिखाते हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे, खुले आसमान के नीचे दिया महिला ने बच्चे को जन्म। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, एक ऐसा मामला सामने आया। गर्भवती महिला पिंकी पत्नी रामरतन निवासी कासगंज थाना सेरामऊ, जिसकी प्रसव का समय पूरा हो गया, लेकिन महिला की घोर लापरवाही और इसके साथ साथ आशा की भी लापरवाही रही। प्रसव पीड़ा का समय पूरा हो गया, पूरे 9 महीने हो गए, लेकिन इसी बीच उसका पति रामरतन रिश्तेदारी में घुमाने के लिए लेकर आया और आने के बाद रिश्तेदारी में रही और रहने के बाद ई रक्शे पे बैठकर पति ने कहा चलो मेडिकल कॉलेज में चेकअप कराते हैं। और वहीं पर ओपीडी के सामने ई रक्शे पर महिला प्रसव पीड़ा चालू हुई और बच्चे को जन्म दे दिया खुले आसमान के नीचे सबके सामने। हालांकि लोगों ने देखा तो मर्द इधर उधर मुंह घुमा लिया, लेकिन इसी बीच वहां पर दवा लेने आई महिला ने तुरंत फोन करा और इसी दौरान आपको बता दें मंजू जो कि लेबर रूम में छुट्टी पर थी वो भी किसी कारणवश मेडिकल कॉलेज आई। जब मंजू ने यह सारा नजारा देखा, देखने के बाद आनंद फानन पिंकी को उसने अपने हाथों से जो भी हो सकता था जितनी मदद हो सकती थी करी और मेडिकल कॉलेज में लेबर रूम में सूचना दी और आनंद फानन बच्चे ने वहीं पर जन्म दे दिया। हालांकि बच्चा और जच्चा दोनों सही हैं, लेकिन आपको बता दें कि अमूमन महिलाएं घोर लापरवाही करती हैं गर्भावस्था में। समय पूरा होने पर लापरवाही, घोर लापरवाही। हालांकि मेडिकल कॉलेज ने भरपूर मानवता निभाई। सबसे बड़ी मानवता रही मंजू की जो कि लेबर रूम में कार्यरत है लेकिन छुट्टी पर थी, लेकिन जब वो आई उन्हें देखा, देखने के बाद सारा विस्तार से उसने मामला लेबर रूम में बताया और इससे पहले जच्चा और बच्चा को दोनों सुरक्षित रखा। हालांकि जब पता चला काफी संख्या में भीड़ लग गई और भीड़ लगने के बाद जब दोनों को सुरक्षित सही अवस्था में लेबर रूम पीएनसी वार्ड में भर्ती किया गया। इसी बीच जब सुबह जाकर पूछा पिंकी से तो पिंकी का ये कहना था कि मेरी लापरवाही हुई, मेडिकल कॉलेज की कोई लापरवाही नहीं, मेरी लापरवाही हुई, मेरे पति की लापरवाही हुई, क्योंकि समय पूरा हो गया था और हमको पता ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा पहला बच्चा जो हुआ उसमें भी दर्द नहीं हुआ और उसमें भी दर्द नहीं हुए, हमको पता ही नहीं लगा। हालांकि पिंकी की जो माता थी हमने उनसे पूछा, उनका भी ये कहना था कि लापरवाही मेरी रही, लेकिन समय पर अगर मंजू और लेबर रूम का स्टाफ ना आता तो शायद जच्चा और बच्चा दोनों में से एक ना एक को खतरा उठाना पड़ता। लेकिन सकुशल परमात्मा का रहम रहा कि दोनों सकुशल स्वस्थ है, मेडिकल कॉलेज में पीएनसी वार्ड में महिला अपने बच्चे को लिए बैठी है। विस्तार से हम आपको सुनवाते हैं। कहाँ बच्चा, जिंदा है बच्चा और कैसा है? पिंकी, ये बताओ आपके बच्चा कहाँ हुआ? जोर से बताओ। शाहजहांपुर में हुआ, अस्पताल के बाहर हुआ? बाहर। क्यों हुआ? टाइम पूरा था? टाइम पूरा। पूरी बात बताओ। पूरा टाइम नहीं हुआ। जब पूरा टाइम हुआ तो आप लेबर रूम वहाँ ओपीडी में लेके क्यों गई थी? अच्छा, फिर क्या हुआ? किसकी गलती मान रही हो आप? अपनी गलती, क्योंकि 9 महीने पूरे हो गए थे तो आप लेबर रूम में क्यों नहीं लेकर आई? हैं? भूल गई। कोई शिकायत है अस्पताल से? तुम अगर टाइम पे अगर डॉक्टर ना पहुंचते तो भूल तो तुम गई थी, तो अगर कोई घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? हैं? कि आपकी बेटी जो है उसके बाहर बच्चा हो गया, समय पूरा था, 9 महीने हो गए थे, फिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों करी गई? लापरवाही ना के भाई तो मानो भाई मानो नहीं भाई, तो लेके चलो देखो चले मेरी भतीजी। हाँ अच्छा, तो भाई लेके यहाँ जलाना है घर पे आप रहते नहीं तो पहले वहाँ गई है? हाँ पहले होने गई, होने से आई। फिर वहाँ से कहाँ आई? तो ही ना आई। फिर क्या हुआ? इनके दर्द वही तभी आई।
फिर बच्चा हो गया। काम मेरा दमाद भी काम करना गए थे। लेकिन हमें ये बताओ, जब पूरे 9 महीने हो गए, वो ये कह रही कि हमारा टाइम भी पूरा हो गया, पहले बच्चे पे दर्द भी नहीं हुआ, तो फिर इतनी लापरवाही किसकी गलती है ये बताओ? गलती जाए मेरा दमाद गई उनकी गलती, जाए मेरा दमाद गई उनकी गलती। तुम्हें अस्पताल से कोई शिकायत है? ये तुम्हारा बच्चा और दोनों सही सलामत है? अब इसके तुम दूसरों को क्या इसमें तुम देना चाहती हो सबक के समय के अनुसार अस्पताल पहुंचना चाहिए या नहीं? आगे लोगों को क्या सीख देना चाहोगी? समय से पहले ही आप लोग या फिर दिखाने आए यहाँ पर, ठीक है ना? टाइम टाइम पे ये नहीं है। आगे लोगों को क्या बताने हो? और बता, अपनी गलती मान रही हो आप? गलती मान रहे। If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.